इस वजह से अमिताभ बच्चन ने रेखा को छोड़ जया भादुरी से कर ली थी शादी। पहली बार आई असली वजह सामने। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती हैं। कुछ ऐसी ही जोड़ी है महानायक अमिताभ बच्चन और स्टार अभिनेत्री जया बच्चन की जोड़ी, जिन पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन अभिनेत्री जया बच्चन से तब मिले थे जब वो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बॉलीवुड की गलियों में खाक छान रहे थे। एक दिन अमिताभ बच्चन जब फिल्मकार अब्बास के साथ पुणे स्थित एक स्टूडियो पहुंचे, तभी पहली मुलाकात में ही जया बच्चन को अमिताभ बच्चन का सरल स्वभाव उनके दिल में बस गया। उस समय जया बच्चन बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुकी थीं, लेकिन जया बच्चन को महानायक की प्रतिभा का अंदाजा पहले ही लग गया था। बाद में फिल्म गुड़ी के सेट पर जब जया बच्चन ने अमिताभ को प्रपोज किया, तब लोगों ने इसे परिहास समझ इग्नोर कर दिया। लेकिन जया बच्चन और अमिताभ की जोड़ी तो भगवान ने पहले ही बना रखी थी। गौरतलब है कि महानायक अमिताभ बच्चन के अभिनय के चर्चे तो कई अभिनेत्रियों के साथ रहे, लेकिन एक जया बच्चन ही ऐसी अभिनेत्री निकली जो अमिताभ के दिल में बस गई। फिल्म एक नज़र में जया भादुड़ी और अमिताभ पहली बार एक साथ काम किया और इसी मूवी के सेट पर अमिताभ बच्चन के दिल में जया भादुड़ी ने रंग भरना शुरू कर दिया। हालांकि जया और अमिताभ के बीच दोस्ती और प्यार का आगाज तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी शादी की कोई बातचीत नहीं चल रही थी। बॉलीवुड में जब जया बच्चन और अमिताभ की मूवी जंजीर सुपर डुपर हिट हुई, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ने विदेश जाने का प्लान बना लिया। लेकिन संयोग देखिए, जैसे अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि बिना शादी किए एक साथ विदेश घूमने जाना अच्छा नहीं है। फिर क्या था, महानायक ने अपने पिता की आज्ञा सिर आंखों पर लेते हुए जया बच्चन से शादी कर ली। आज भी अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफलतम जोड़ियों में शुमार की जाती है।